फिनॉल को सेलिसलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं राइट फिनॉल का कन्वर्जन होगा येिसलिक एसिड जो है कुछ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का प्रीकर्सर है यानी एक बार अगर सेलेसरेकॉप एसिड बन जाता है तो उससे हम यहाँ पे तीन कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं वो फॉर्म कर सकते हैं जिसमें से पहला है एस्पेरिन एस्पेरिन जिसका केमिकल नेम बोलें तो वो है टू एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड दूसरा है मिथाइल सेलिसलेट जिसका कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन और तीसरा कंपाउंड है फिनाइल सेलिसलेट जैसे मिथाइल सिलिसलेट बन रहा है वैसे ही फिनाइल सिलिसलेट का फॉर्मेशन होता है अगर हम फिनॉल लेंगे तो फिनाइल सिलिसलेट और अगर हम मिथेनॉल लेते हैं तो मिथाइल सिलिसलेट बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट फिनॉल टू सिलिसलिक एसिड बेसिकली इस रिएक्शन को कोलबे सीमित रिएक्शन को या कोलबे रिएक्शन जहाँ पे भी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो जाती है तो कोलबे सीमित रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ कि इसमें हम क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलेशन होगा जो भी रिएक्टेंट होगा उसका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी तो एक तरह का कार्बोक्सिलेशन केमिकल रिएक्शन है अब इसमें हम कर क्या रहे हैं पहले हम फिनॉल की एनएच के साथ रिएक्शन करा रहे हैं जिससे हमें क्या मिलेगा फिनॉल का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा राइट इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड तो ये बेसिकली सोडियम का सॉल्ट है सोडियम और फिनॉल का सॉल्ट है अब इस सॉल्ट की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे और जो टेम्परेचर रहता है वो 400 हंड्रेड किलोविन टेम्परेचर है और 4 टू 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 4 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का प्रेशर रखा जाता है उस प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है राइट अब जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सी पूरा का पूरा इसमें ऐड हो जाएगा और हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम फिनाइल कार्बोनेट राइट अब इस सोडियम फिनाइल कार्बोनेट में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाएगा बेन्जीन के साथ ओ OH ग्रुप लगा हुआ है और साथ में सी ओ ओ एन ए लगा हुआ है राइट right? और ये हो गया सोडियम सेलिसलेट अब ये यहाँ पे क्या एटम्स प्रेजेंट थे ओ सी ओ ओ एन ए तो इसमें से ये सी ओ ओ एन ए तो यहाँ पे आके और ओ OH एच के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजिशन अगर बोले तो इस पर आगे जुड़ गया है और यहां से एक एच निकला वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है जिसकी अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमें मिलता है सेलिसिलिक एसिड और सिल्सिलिक एसिड को अगर हम देखें तो इसमें दो रिंग के साथ दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं एक सी ओ एच है एक ओ OH एच है सीनियोरिटी वाइज हम सी ओ एच को प्रेफरेंस देते हैं या ये प्रायोरिटी ग्रुप होगा तो ये कार्बन जो होगा जिसके साथ सी ओ एच ग्रुप लगा हुआ है ये नंबर वन कार्बन हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में अब जो ओ OH एच होगा वो सेकेंड पोजिशन पर है या ऑर्थो पोजिशन पर है तो जो इस कंपाउंड का नाम होगा वो होगा टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ठीक है और ऑर्थो पोजिशन पे ओ एच OH ग्रुप आ रहा है

तो अब हम इसी सेलिसिलिक एसिड की अगर रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेके उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया तो जो यहाँ पे आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं एसिड का एनहाइड्राइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड और इसकी रिएक्शन यानी कि सेलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं या फिर सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो हमें एक मेडिसिनल कंपाउंड मिलता है वो है एस्पिरिन राइट आपने ये सुना होगा मेडिसिन का नाम है एस्पिरिन एस्पिरिन ऑप्टेन हो रहा है और एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है वो है टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड अब टू एसिटॉक्सी कैसे आ रहा है अगर हम इसको हाइड करें तो ये बेंजिनिंग और सी लगा हुआ है तो ये तो हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड और इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड पोजिशन पे हमारा एसिटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है राइट दो कार्बन है एसिटॉक्सी ग्रुप है तो टू एसिटॉक्सी और साथ में एक मॉलिक्यूल एसिड एसिट का मिल रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम में यूजुअली आ जाती है पूछ ली जाती है कि किस तरह से हम फिनॉल को एस्पिरिन में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेलिसलिक एसिड को एस्पिरिन में कन्वर्ट करेंगे दूसरी रिएक्शन में हम सेलिसिलिक एसिड के रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एस तो जो हमें कंपाउंड मिल रहा है दिस इज अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल सेलिसिलेट। अब मिथाइल सेलिसिलेट जिसको हम ऑयल ऑफ इंटरग्रीन भी बोलते हैं एक तरह का ऑयली लिक्विड होता है और इसकी सी ओडर होती है ये परफ्यूमरी में यानी कि परफ्यूम इंडस्ट्री में और फ्लेवरिंग एजेंट की तरफ तो यूज होता ही है और जो बहुत सारे पेन किलर बाम्स आते हैं जैसे आयोडेक्स मूव ये उसमें भी यूज होता है राइट तो अगर आयोडेक्स का मेन कंपोनेंट पूछा जाए आयोडेक्स का मेन कंपोनेंट क्या है तो ऑयल ऑफ इंटरग्रीन या फिर मिथाइल सेलिसलेट है इसी तरह से अगर सेलिसलिक एसिड की रिएक्शन सी सिक्स एच फाइव ओ एच यानी कि फिनॉल के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ पीओ सी एल थ्री राइट तो और टेम्परेचर भी अगर हम बात करें तो 473 सेवेंटी के आसपास का टेम्परेचर रहता है तो जो कंपाउंड हमें मिल रहा है यहाँ पे उसे हम बोल रहे हैं फिनाइल सेलिसलेट और इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम जो है वो है सेलॉल और जो सेलॉल है ये वाइट सॉलिड होता है और इसका जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है एक तरह का ये इंटरस्टाइनल एंटीसेप्टिक है यानी कि इंटरनल एंटीसेप्टिक की तरह फिनाइल सेलिसलेट यूज़ होता है तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है फिनॉल को सेलेसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना और फर्दर सेलेसिलिक एसिड को एस्पिरिन में कन्वर्ट करना या फिर फिनाइल सेलेसिलेट और मिथाइल सेलेसिलेट में कन्वर्ट करना दूसरी जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है रिमाटिमिन रिएक्शन दूसरी जो नेम रिएक्शन है वो है रिमाटिमन रिएक्शन रिमाटिमन रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस एनिवेज के साथ कराते हैं एट थ्री फोर्टी कैलविन राइट और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है सेलिसल जिसका आई नेम होगा टू हाइड्रोक्सी बेनजिलडिहाइड अब किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है पूरी रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएं दो रिएक्शन इज नॉट देयर इन योर कोर्स कोर्स में नहीं है लेकिन अगर हम रिएक्शन को समझें तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है फिनॉल एसिडिक इन नेचर होगा यहाँ से एच निकल जाएगा एन आके लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर आ गया फिनॉल के साथ ओ एन आ गया अब ये सी एच सी एल टू कहाँ से आ रहा है अगर हम बात करें तो हमारे पास बेस है जिससे हाइड्रोक्साइड आयन आए हैं और क्लोरोफॉर्म है सी एच सी एल थ्री राइट ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा अगर हम बात करें इसमें से एक एच निकला और ये एच ओ एच में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास आ गया सी सी एल थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज राइट अब इसमें से एक क्लोराइड आयन अगर हम निकाल दें यानी कि सी एल माइनस आयन निकाल दें तो हमारे पास और क्या आ जाएगा आ जाएगा सी सी एल टू राइट और एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास बचेगा कार्बन के आउटोमोशियल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के लिए दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा dichloro. Dichloro और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन तो दिस इज डाईक्लोरोबिन डाईक्लोरोबिन है अब ये डाइक्लोरोबिन यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास है

जो ओ एन ए था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें फिनॉल में तो वी विल गेट डिहाइड तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है रिमर्टिमन रिएक्शन याद रखिएगा फिनॉल क्लोरोफॉर्म और एक्वस एनिवेच की रिएक्शन है इसी रिएक्शन का एक वेरिएशन भी है कि क्लोरोफॉर्म की जगह पे अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा तो फिनॉल की रिएक्शन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और एनओ के साथ अगर हो रही है तो राइट अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सीसीएल थ्री सी सी थ्री अटैच होगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा इस केस में वो हमारा होगा सेलिसलिक एसिड यहाँ पे हमें सी ग्रुप मिल रहा था लेकिन अगर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है तो सी ओ एच ग्रुप आ जाएगा या सेलेसिलिक एसिड आ जाएगा तो कोलब्रिशमेट में भी हम सेलेसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे फिनॉल से लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा था और यहाँ पे फिनॉल को हम सेलेसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइट्राक्लोराइड एंड एक्वस एन तो बोथ द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट गो थ्रू दिस थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स